What's up, ladies and gentlemen, boys and girls, your boy Bhatti expert. आज फाइनली मेरा मतलब शौक था कि यार मैं उस बंदे से मिलूं. साईं, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक. मेरी एक ख्वाहिश थी, मैं उनका फैन था, लाइक दैट. उनकी पर्सनैलिटी कमाल. मोहम्मद बख्श खान मेहर से आज हम मिलने जा रहे हैं. बड़ी मेहरबानी साईं जाम समेजो साहब की, इनकी रेफरेंस से. और इनके कुछ दोस्त हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, तो फिर मतलब इनके क्लोज फ्रेंड्स हैं. तो आज हम वहाँ निकले हुए हैं. पहले हमें दावत दी है काजी साहब. किसने दावत दिया हमें? गुलाम जिलानी. गुलाम जिलानी, आज पहले उसकी दावत खाएंगे, क्योंकि कल रात से हमें कॉले आ रही थी, भाई कैसे भी करके आना है, आना है, आना है, आना है, आना है. तो पहले उनके पास जाएंगे, उसके बाद हम साथ मिल के प्रोटोकॉल में इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे. साईं का घर कहाँ है साईं? खानगढ़ खानपुर बाहर कहते हैं उसको, खानगढ़ है. अच्छा, तो वहाँ जाएंगे. फिलहाल तो जिलानी के पास जा रहे हैं. जिलानी जो सरदार मोहम्मद बख्श खान के मामू हैं, उनकी दावत पे हैं. फिर उनके साथ इकट्ठे होके कमाल खान मार, वो कजन है इनके, इकट्ठे होके फिर सरदार साहब से मिलेंगे. और बाकी आगे स्टोरी अब देखते हैं वैसे क्या. बस लगाते हैं. अस्सलाम वालेकुम. चला कुछ के When I look into her eyes, I see paradise. फाइनली गाइस, माशाल्लाह बहुत अच्छा लंच हुआ है. जिलानी साहब ने बड़ी तकलीफ़ की. जानी इधर आओ. बड़ी तकलीफ़ की है इसने, और लिटरली इनके पास 7 दिन से लाइट भी नहीं है, फिर भी इन्होंने किया है. थैंक यू सो मच. और मेरी तरफ से भी आपको दावत है. इंशाल्लाह जब भी आपका दिल करे हैदराबाद, इंशाल्लाह. ठीक है, अब चल रहे हैं पूल पर. और उसके बाद बड़ा क्लास प्लान था, अचानक से मूड चेंज कर दिया इन लोगों ने. और मतलब हमें मिलना था आज, उन्होंने भी टाइम दे दिया कि भले आ जाओ. अब सीन है कि हम जाएंगे कल वहाँ पे. और अभी हम ट्यूबवेल में फ्रेश हो रहे हैं, बिल्कुल मज़ा आ रही है भाई. चलो भाई, बड़े ये देखो भाई, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर. काजी के ये हाथ हैं, ये 2-3 बंदे अंदर. देखते हैं कि कौन पहले हारता है और कौन पहले जीतता है. काजी पहले हार गया और उसके बाद साईं हार गया, और विनर इज दैट गाय. वाह. उसी विनर हो भाई. अभी क्या होने जा रहा है? रेस होने जा रही है. उधर हाथ लगा के हम दोनों की रेस होने जा रही है. यहाँ पे आना है. ठीक है, अंडरग्राउंड में. अंडरग्राउंड. ओके, 1 मिनट. 1, 2, 3, go! कौन जीता? दोनों जीत गए. वाह, वेल डन गाइस. राउंड 2 आने जा रहा है. 1, 2, 3 स्टार्ट. ये देखो जल्दी.
शादी कंडिया अब आए बस दिल जी कंडिया शादी कहिए को भड़वा तू को कांग्रेचुलेशन सर कांग्रेचुलेशन डर बने था What's up, ladies and gentlemen, boys and girls, your boy Bhatti expert. अभी मैं उठा हूँ और जल्दी बिल्कुल और मुझे कुछ काम थे और अब मेहमान आ चुके बंगले पे नवीद भाई आए हैं और आज हम डेरखी के मशहूर चावल छोले खाएंगे मेरे कज़न हैं नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप भाई तो चलिए चलते हैं और मेरे पास ब्रश नहीं है तो मैं इधर यूज़ करता हूँ अपना ये जुगाड़ When I look into her eyes, I see paradise. चलो भाई हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे चावल छोला खाएंगे हम इधर ब्लॉग बनाना थोड़ा अजीब लग रहा है पर खैर भाई ब्लॉग तो बनाना है नवीद भाई के साथ क्योंकि सिद्धू यलो शेर देखा हूँ डेरखी हो मैं अभी आप लोग को डेरखी का शेर दिखाता हूँ मतलब मेरा गांव अलग है मतलब डेरखी से थोड़ा आगे और यहाँ पर जो सिटी का माहौल है पहले मैं वो आप लोग को चेक करवाऊँगा यहाँ के लोग जो रहायशी है सिटीजन्स वो कैसे रहते हैं चले जी ये है नवीद भाई ये क्या चीज सिटी में मेन रोड है अच्छा तो ये सिटी की क्या चीज मिलत रोड पे जाएंगे अच्छा जी शॉपिंग वगैरह भी लोग पहले इधर ही करते थे मतलब गांव वाले जो लोग थे इधर ही मतलब मेन शहर है ये पहले तो बड़ा शहर होता था हाँ ये वाली रोड बड़ी फेमस है ना मिलत रोड नवीद भाई आपकी जी शॉप कहाँ है चल रहे हैं अभी आगे एसएसजी मोबाइल मार्केट में अच्छा मेरा ये कज़न है बड़ा एक्सपर्ट है ना इसका खुद का भी शॉप है माशाल्लाह तो ये आईफोन वगैरह सब कुछ ये बनाते हैं पहले मैं देखूँ इनकी शॉप खुली हुई है नहीं बंदा ये इनकी शॉप है इधर इस मार्केट में शहजाद भी अच्छी है शहजाद भाई ये इनके भाई बैठे हुए हैं चलो ठीक है हेलो पान ओके हेलो शेर घुमाएगा बाय बाय चलो टाइम चाहते लाला अच्छा मतलब ऑलमोस्ट 9 होने वाले हैं